नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल गिरी। आज के युग में शिक्षा का कितना महत्व है, इससे कोई भी इंसान अछूता नहीं है। जब हम शिक्षित होंगे तो अपने अधिकारों को जानेंगे और जो विसंगतियां फैली हैं समाज में उसे दूर करेंगे। लेकिन जब शिक्षा देने वाला मंदिर तबेला बन जाए, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, जब शिक्षा का मंदिर यानी कि विद्यालय जानवरों का रहने का चारागाह बन जाए, यहाँ पशुओं को बांधा जाए और ये तबेला के रूप में तब्दील हो जाए, तो फिर आप उच्च शिक्षा की उम्मीद रखना बेमानी होगी। इस वक्त हम हैं पलामू के सबसे सुदूर इलाके चक में। आप देख रहे हैं हमारे सामने उत्क्रमित उच्च विद्यालय भवन चक का है, प्रखंड मनातू का ये इलाका है। और इस विद्यालय को हम दिखाएंगे, ये जो उच्च विद्यालय की स्थापना की गई थी जिस उद्देश्य से, वो महज एक सपना बनकर रह गया और अब 7 या 8 साल इस भवन को बने हुए हो गया। अब तक यहाँ ना तो शिक्षक आए और ना ही बच्चे आते हैं, लिहाजा जो यहाँ के गांव वाले हैं इसे तबेले के रूप में तब्दील कर दिया। इसके अंदर आपको गोबर मिलेंगे, इसके अंदर चारा मिलेगा, ये सब भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ एक स्थानीय व्यक्ति, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद। इरशाद जी, ये भवन कब बना था? 2012 में, यानी 10 साल हो गए। 10 साल में कभी यहाँ कुछ पढ़ाई लिखाई? नहीं सर, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ। अब क्या इस्तेमाल होता है इस भवन का? इसमें वही बकरी पटरू माल जाल चारा ये सब रखा जाता है इसमें। आप लोग कभी ऐसा लगा नहीं कि स्कूल चलता, हमारे बच्चे पढ़ते? मतलब पूछते थे तो बोले अब बनेगा, थे अब चालू होगा, कल चालू होगा, 1 महीना बाद होगा, 1 साल बाद होगा, बस ऐसी है ये स्थिति है। और हम आपको अंदर ले चलकर दिखाना चाहेंगे। कैपिटल न्यूज के स्क्रीन पर आप देखिए इस विद्यालय का जो बाहरी हिस्सा है, यहीं से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि गोबर है, भूसा है और जो जो एक जानवरों को पालने में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें होती हैं ये सब है यहाँ। देखिए चिपड़ी रखा हुआ है। इधर का भी इलाका दिखाइए, हम अपने कैमरामैन धीरेन्द्र पाठक जी से। जी पाठक जी, ये पूरा इलाका को आप दिखाइए कि किस तरीके से। आप देखिए 9 कमरों का ये विद्यालय है और पूरा का पूरा जो कमरा है वो कंप्लीट तबेले के रूप में तब्दील हो गया है। आप अंदर आते जाइए, अंदर के हिस्से को आप देखेंगे। पूरा का पूरा जो विद्यालय है वो अलग अलग, आप देखिए ये भूसा रखने का एक कमरा है, इसमें पुआल है, भूसा है, जानवरों को रखने की पूरी व्यवस्था कर दी गई है, पूरी व्यवस्था कर दी गई है। और जो इस विद्यालय का निर्माण हुआ था जिस उद्देश्य से, वो तो पूरा हुआ नहीं, लेकिन आप देखेंगे इस दीवार पर अभी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ये बिट वायरिंग का जो हिस्सा है ये सब सारा उखाड़ दिया गया। धीरे धीरे जो है भवन जर्जर होते जा रहा है और आखिर में वो दिन आएगा जब ये भवन एक खंडहर में तब्दील हो जाएगा और न ही इसकी उपयोगिता हुई और न ही जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी वो कुछ किया गया। यहाँ हमारे साथ गांव वाले भी हैं। हम इस विद्यालय के ऊपरी हिस्से में भी चलेंगे, बाकायदे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इस विद्यालय का निर्माण किया गया था। भवन का निर्माण में कोई कोताही नहीं बरती गई, सीढ़ी लगाया हुआ और सीढ़ी से जब आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ भी एक अलग सीन दिखेगा आपको। पूरी तरह से खलिहान बना दिया गया है इस भवन को, तब नीचे का जो हिस्सा है वो तबेला है और ऊपर का जो हिस्सा है वो खलिहान में बदल चुका है। देखिए इस तरह से यहाँ फसलों को सुखाया जाता है, ये पूरा का जो पूरा इलाका है। इधर अरहर की जो खेती होती है वो यहाँ पे उसे बनाया जाता है, खलिहान के रूप में ये तब्दील हो गया। तो पूरी तरह से ये जो भवन है चक का, बाबू आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या नाम है आपका? उदित कुमार। यहाँ कभी पढ़ाई लिखाई हुआ इस तक? नो। आप लोग पढ़ना चाहते हैं? जी। क्या इस संदर्भ में कभी किसी से बात हुई कि इस विद्यालय को शुरू किया जाए, हम लोग पढ़ाई करें? नहीं, आए थे 1-2 बार, फोटो वोटो खींच के ले गए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अभी क्या होता है? अभी कुछ नहीं होता, बस ऐसे गाय माल रहते हैं इसमें। गाय माल रहते हैं। तो आप देख रहे हैं क्योंकि ये जो इलाका है काफ़ी सेंसिटिव इलाका माना जाता है और पदाधिकारियों का इस इलाके में ध्यान होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे तो निश्चित ही इस क्षेत्र में विकास होगा। लेकिन जहाँ
शिक्षा का जो मंदिर है, जो विद्यालय है, आप उसकी स्थिति देख रहे हैं कि किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कैपिटल न्यूज़ के लिए धीरेंद्र पाठक के साथ प्रफुल्ल गिरी।